Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, my name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, chapter number 9 में ब्रायोफाइटा हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप एंथोसेरोप्सिडा जो कि आपके बोर्ड के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी एक छुपा हुआ है, इसको इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से भी स्टडी करेंगे। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट, द group that we are going to study today is Anthocerophyta. और इसका common name that is hornworts. All right, सींगों वाले ब्रायोफाइट्स लफ्जी तर्जुमा इसका ये बनता है। अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे तो हमारे सेन में यही सवाल आना चाहिए कि why the Anthoceropsids they are known as hornworts, okay? तो उसके लिए याद रखिएगा the hornworts is due to the horn-like सींगों की तरह की appearance of sporophyte. All right, जो sporophyte generation है उसकी चूंकि appearance, उसकी जो शक्ल है वो हमें सींग की तरह लंबे से एक आउटग्रोथ की तरह बनी हुई नजर आती है, जिसकी वजह से हमने इसका नाम रख दिया है हॉर्नवर्ट्स। ऑलराइट, और इसका टेक्निकल नेम रहेगा एंथोसेरोप्सिडा। अब स्टूडेंट्स एंथोसेरोप्सिडा का भी जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है दैट इज एंथोसेरस, ओके? सो वी कैन से एंथोसेरोप्सिडा आर नेम्ड आफ्टर द जीनस एंथोसेरस। अब ये जीनस तो हमारे सामने नजर आ रहा है हमें, लेकिन इसकी बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज मौजूद होंगी जो कि मुख्तलिफ एरियाज में पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइट्स हैं, ऑलराइट, तो किस किस्म के एरियाज में पाए जा सकते हैं? यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, ओके? लेकिन ये बात भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एंथोसेरोप्सिडा इज अ बिट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स। जैसे हमने पिछले ग्रुप्स पढ़े हैं, जैसे कि आपने पढ़े थे लिवरवर्ट्स और फिर उसके बाद मॉसेस, उनकी तरह के ये ब्रायोफाइट्स के ग्रुप में तो शामिल हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर कुछ नई चीजें एड अप हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और वो नई चीजें क्या क्या हैं, इन्हीं की वजह से एंथोसेरोप्सिडा को हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा हाईली डेवलप हो गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ऑलराइट, तो इन्हीं चीजों को आज के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द गैमेटोफाइट। जी स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स के अंदर जब भी हम गेमेटोफाइट्स की बात कर रहे होते हैं तो फौरी तौर पे हमारे ज़हन में ये चीज आती है कि गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन, ओके? यानी कि गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है वो ज्यादा वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है, ज्यादा देर के लिए सर्वाइव करती है, और स्पोरोफाइट जनरेशन हमेशा डिपेंडेंट होती है ऑन दैट गेमेटोफाइट जनरेशन। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है, गेमेटोफाइट जनरेशन इज वेजिटेटिवली रिच यानी कि फोटोसिंथेटिक है, लेकिन इसके अंदर जो स्पोरोफाइट की डिपेंडेंसी है वो अब पहले की तरह या पिछले ग्रुप्स की तरह नजर नहीं आती, ओके? तो गेमेटोफाइट के मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इट इज हाईली ब्रांच्ड और वी कैन से लोब्ड, ऑलराइट, थैलस, the plant body that cannot be differentiated into true roots, stem and leaves, okay? और फिर इसके साथ ही साथ एक और टर्म मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, दिस इज एसिमेट्रिकल। ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई इसकी बॉडी जो है, जो गेमेटोफाइट जनरेशन या जो गेमेटोफाइट बॉडी नजर आ रही है वो या तो मुकम्मल गोल हो, फिर भी हम कह दें, लेकिन ऐसा भी नहीं है, या फिर मुकम्मल एक सिलेंड्रिकल लंबा सा स्ट्रक्चर बना दे, ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह देते हैं दिस इज is asymmetrical, irregular, okay? All right, students. These are the common features about the gametophyte of Anthoceropsida. अब फिर इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली दैट इज एंथोसेरस, ओके? और एंथोसेरस के मुतालिक जब हम बात करेंगे तो उसका गेमेटोफाइट भी हमें इसी तरह से नजर आएगा, लेकिन जो अहम चीज है विद अ स्लाइड एडवांसमेंट दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ओके? और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह सकते हैं? ऑलराइट, अब संकन का लफ्जी मतलब तो ये बनता है कि डूबे हुए स्ट्रक्चर्स। अब डूबे हुए स्ट्रक्चर्स, यहां पे तो हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि ये पौधा नजर किस तरह से आता है और इसके ऊपर एंथेरिडिया और आर्चेगोनियम मौजूद कहां पे हैं। तो पिछले ग्रुप्स में हमने ये देखा था सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ जो याद रखने वाली बात है वो ये भी है कि मे बी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सेम थैलस के ऊपर मौजूद हों और ये भी मुमकिन है कि अलहदा अलहदा गेमेटोफाइट थैला मौजूद हों जिनके ऊपर एंथेरिडिया अलहदा पौधे के ऊपर और आर्चेगोनिया किसी अलहदा पौधे के ऊपर मौजूद हों। सो वी कैन राइट Antheridia and Archegonia are partially sunken or embedded, धंसे हुए inside the gametophyte thallus. Alright students, अब इस बात से हमें ये पता चल गया कि एंथेरिडिया और आर्चेगोनिया टिप्स के ऊपर या सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं है बल्कि आधे या पूरे उसके अंदर धंसे हुए नजर आएंगे। अब फिर इसके बाद जो अहम चीज इसकी थैलस की जो अपीयरेंस है, ओवरऑल जो गेमेटोफाइट थैलस की अपीयरेंस है उससे रिलेटेड याद रखिएगा, चूंकि ये हमारे यहाँ इर्द गिर्द पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है एंथोसेरस और इसकी मुख्तलिफ स्पीशीज, स्पेशली ये हिमालयन रेंज जो है इसी के हवाले से इसकी एक स्पीशीज का नाम भी है। तो एंथोसेरस यहाँ पे कॉमनली आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी जो अपर एपिडर्मस वाली साइड है उसको, जिसको डॉर्सल साइड हम कहते हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो हो सकता है वो वेलवेटी सॉफ्ट नजर आए या ये भी पॉसिबल है कि वो बड़ी रफ सी और स्पाइनी, ऐसे हाथ लगाएं उसके ऊपर तो आपको कांटेदार फीलिंग आना शुरू हो जाए। ये इसकी अपर एपिडर्मस या अपर डॉर्सल साइड की हम बात कर रहे हैं। और वेंट्रल साइड की यानी नीचे वाली साइड की जब हम बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि इट इज जस्ट लाइक द अदर ब्रायोफाइट्स और यहाँ पे क्या मौजूद हैं, देयर आर राइजॉइड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एज वेल एज द एंकरेज ऑफ द गेमेटोफाइट जनरेशन। ओके, वो पानी और नमकियात को जजब करके अपर पार्ट्स की तरफ भेजेंगे और साथ ही साथ पौधे को मजबूती से सॉइल के अंदर फंसा के और पकड़ की सलाहियत उसको फराहम करते चले जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज जनरली दैट यू कैन राइट अबाउट द गेमेटोफाइट। फिर उसके बाद अगली चीज अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज द स्पोरोफाइट। ओके, और स्पोरोफाइट के अंदर पहले की निस्बत और ज्यादा, ऑलराइट, अब ये जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है ये पैदा किससे हुई, गेमेटोफाइट जनरेशन से। गेमेटोफाइट जनरेशन के अंदर एंथेरिडिया और आर्चेगोनिया मौजूद थे। एंथेरिडिया ने एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस किए, आर्चेगोनिया ने एग प्रोड्यूस किया और फिर उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन हो गई। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट जो आपको याद रखनी है वो ये है, एंथेरोजॉइड्स आर मोटाइल एंड एग दैट इज ऑलवेज नॉन मोटाइल एंड सिंगल। ओके, अब एंथेरोजॉइड्स ट्रेवल करके आएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनने के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज हो जाएगा। यहां पे हमारा पहला एडवांस फीचर जो है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा और वो क्या है, द स्पोरोफाइट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट इज नॉट, अब इसमें याद रखने वाली चीज सिर्फ कंपैरिजन अगर आप करें कि the sporophytes that were present in liverworts and mosses, they were entirely dependent on the gametophyte generation for their nutrition. कि gametophyte के ऊपर चूंकि sporophyte grow कर रहा था और sporophyte itself non-photosynthetic था, तो खुराक और नमकियात और पानी वगैरह उसको gametophyte